हेलो एवरीवन, मैं हूं फैजान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रस्ता बाय फैजान। और आज की एक वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है एयर फ्रायर पर, जो पीजन का मैंने परचेज किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो भैया आ चुके हैं, बाहर खड़े हुए हैं, बेल बजा रहे हैं और मैं यहाँ बना रहा हूँ वीडियो। मजाक कर रहा हूँ। तो डिलीवरी वाले भैया ही इसको करेंगे अनपैक और देखते हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है उसमें सारी चीज़ें सही सलामत आपको मिल जाती हैं कि नहीं। पैकेट भैया ओपन करेंगे अभी। और फिलहाल हमारी आ चुकी है कड़ी मुआयना करने के लिए, क्या आया है नया। हाँ भैया उधर रख दीजिए इधर इसको। तो इस एयर फ्राई का पहला एक्सपेरिमेंट पालक की पकौड़ी, अभी रखते हैं इसको फटाफट से और देखते हैं कैसा बन के आता है। आई थिंक इसको लो हीट पे रखा था, इस वजह से ये प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है। तो पिछले दो एक्सपेरिमेंट के बाद हो चुके हैं हौसले बुलंद, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं पनीर टिक्का लॉलीपॉप। लेट्स सी कि ऑटोमेटिक ऑफ होता है कि नहीं होता है। हो गया, ऐसे नहीं है कि चलता ही रहेगा, टाइमर जो लगाया उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली कट ऑफ। इट्स टाइम टू पुल द बकेट आउट। फैंटास्टिक। वक्त है इसको टेस्ट करने का, देखते हैं एग्जैक्टली कैसा जो है वो बना है। वाह, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर। टेस्ट वॉज वेरी गुड, मज़ा आ गया। और ये परचेज करना मेरा सफल रहा। मुझे स्टार्टिंग में ये लग रहा था इज इट वर्थ और नॉट, कि ये सही से चीज़ें बना भी सकता है या नहीं, या ऊपर से पैनल ही दे रखा है। तो मैंने जो सिलेक्ट किया था वो किया था मेन्यू में जाके टिक्का, और लगभग टिक्का इज लाइक लुकिंग लाइक टिक्का, और टेस्ट भी जो है वो टिक्के जैसा लग रहा है। सो इट्स अ वर्थ टू परचेज। Guys, now it's a review time of the product which I have purchased from Flipkart, that is air fryer of Pigeon that is having the capacity of 4.2 liters, जो I think sufficient है दो लोगों के लिए, और bachelors भी इसको purchase कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही helpful product रहेगा जिनको बहुत चटपटा खाने का हर हमेशा दिल रहता है। तो आई थिंक इनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी ये सवाल उठता है कि ये एयर फ्रायर खरीदा क्यों जाए। इसका सिंपल सा आंसर है, जो भी चीज़ें आप ऐसी फ्राई करते हैं, जो तेल में, बहुत सारे तेल में आप उसको तलते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एयर फ्राई कर सकते हैं, जो आई थिंक बहुत ही नॉमिनल सा ये ऑयल लगता है उसके अंदर। या फिर आप बिना ऑयल के भी एयर फ्राई बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें ऑयल लगाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो नीचे वाली लेयर पे कहीं चिपक ना जाए, इस वजह से। तो बहुत ही एक हेल्दी रहने के लिए ऑप्शन है, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको चिकन कुछ रोस्ट करना है या फिर डेली के हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत क्रिस्पियर चिकन चाहिए तो उसके लिए आप
एयर फ्राई कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल रिव्यूज का आपको और देते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेरी गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।